गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार गुप्ता नैन यूट्यूब चैनल पर चंद्रेश में आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग का ये जो टॉपिक है रैंकिंग, एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं जिसका पार्ट वन है। स्टूडेंट्स, रैंकिंग का मतलब ही होता है, देखो कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी होंगे तो उनके लिए भी ये वीडियो है, क्रम व्यवस्था। भाई मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, क्रम व्यवस्था। ओके, अब जैसा कि ये खुद इससे पूछो आप कि रैंकिंग तुम क्या हो, तो ये बोलेगा मैं क्रम व्यवस्था हूं। तो इससे फिर पूछो कि क्रम व्यवस्था क्या होता है, तो ये बोलता है भाई क्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसको हम या तो लाइन में करते हैं, किसमें करते हैं, लाइन में। और लाइन कैसी होती है, लाइन दो प्रकार की होती है, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या तो क्या होगी, वर्टिकल होगी। देखो क्वेश्चन का थीम समझो क्या है, रैंकिंग में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एक बोल देगा कि एक पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हैं और उसमें राम का स्थान बाएं से कुछ होगा, दाहिने से कुछ होगा, ठीक है। तो उसमें से एक डाटा दे करके आपसे दूसरा डाटा क्या करेगा, पूछेगा। अभी जो है रैंकिंग की शुरुआत हुई है, तो कैसे प्रश्न बनेंगे ये आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो आते हैं रैंकिंग का क्रम व्यवस्था, या तो लाइन में होता है या अप डाउन में होता है। देखो अप डाउन क्या होता है, इस लाइन को यदि मैं वर्टिकल बना दूं तो इसको अप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डाउन बोलेंगे। अगर लाइन में है, देखो लाइन में है, ये लिफ्ट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, राइट। याद रखना लिफ्ट राइट का में क्या मतलब होता है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो दाहिने साइड में होता है वो राइट होता है, जो बाएं साइड में होता है वो लेफ्ट होता है। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन जो है बताने जा रहा हूं कि रैंकिंग में क्वेश्चन पूछता कैसे है। याद रखना बच्चों, लेफ्ट राइट अप डाउन ये जो है रैंकिंग के पात्र हैं, और ये सब पात्र के बारे में आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि रैंकिंग में क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के, बिना टारगेट के आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर वन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, एक पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हैं, देखो एक पंक्ति होगी, उसमें पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी, चाहे बैठे हों चाहे खड़े हों, उनमें से राम का स्थान बाएं से पच्चीसवां है। अब देखो आपको इसमें क्या दिया, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो एक पंक्ति दिया हुआ है, और पंक्ति है तो इसमें लेफ्ट हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और यहां से लड़के बैठना शुरू किए, यहां तक कुल कितने लड़के बैठे हैं, 40 बैठे हैं, और यहीं पर कहीं एक बंदा है जिसका नाम क्या है, राम है, और वो बाएं से कितना है, 25वां स्थान है। तो यहां इतना जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस डायग्राम के माध्यम से, देखो ये जो है डायग्राम के माध्यम से है, और इसको मैं बोल बोल कर लिखवाया हूं, इतने को मैं इतने में समाहित करने आना चाहिए। ओके, अब आपसे प्रश्न पूछेगा तो बताइए राम का दाएं से क्या स्थान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो बच्चों, देखो अपने डेली लाइफ में क्या होता है कि आपको जब बहुत सारा काम दे दिया जाए तो आप उसको अच्छे से करोगे कि सिर्फ एक काम दिया जाएगा उसको अच्छे से करोगे, तो हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो कम काम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बर्डन में हम नहीं दे सकते। तो ये बर्डन है, इतना पढ़ने के बजाय जो है आपको अगर एक डायग्राम के माध्यम से मैं दिखा दूं
और ये डायग्राम पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक बात बोल रहा है कि एक पंक्ति है जिसमें टोटल 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें एक बंदा राम है और बाएं से कितना है स्थान 25 है। तो देखना, अगर यहाँ से इसका स्थान 25 है तो एक तो राम खुद हो गया और 24 लोग इधर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ही। 24 से कितने हो गए 25, यहाँ तक 25 लोग बैठ गए, टोटल बैठाना है 40, तो यहाँ कितने बैठा होगे? जाहिर से बैठा होगे, कितना बैठा होगे? 15। तभी तो यहाँ से लेके गिनने पर यहाँ तक 40 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 24 एक 25 और 15 40 हो गया और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब राम का स्थान दाहिने से आपको पता है कि 15 इधर हो गए तो एक जोड़ करके अपना स्थान बताएगा अपने हिस्से का भी, तो आंसर हो गया क्या 16। आप जो है बिना फार्मूले के इस क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से क्या कर दिए। लेकिन बच्चों आप बुक में क्या करते हो, बुक में फार्मूला लिखा होता है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या 1। अब एक बात बताओ, आप इतने को याद ही कर रहे हो फिर इसको भी याद करोगे? भाई आदमी है कि कंप्यूटर? भाई जितना कम याद करोगे उतना ही आपको अच्छे समझ में आएगा। अब टोटल दिया हुआ है बच्चों 40, लेफ्ट से दिया हुआ है बच्चों 25, राइट से पूछ रहा है, राइट निकालना है, एक माइनस कर दो। तो इतना करने के बाद 40 में से 25 घटाओ और एक उसमें क्या करो जोड़ो, आंसर कितना आएगा? 40 में से 25 घटाओ 15 और एक कितना आ गया? ए बच्चों मुंह जबानी करना होता है, या ये फार्मूला आप रट लो या इस डायग्राम को समझ लो। तो मैं कहता हूं कि 100 क्वेश्चन करने से बेटर है एक क्वेश्चन को ही अच्छे से समझ ले। तो ये फार्मूला भी याद कर लीजिएगा कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये उन बच्चों के लिए है जो दिमाग कहीं ताखे पर रख के बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, और ये उनके लिए है जो सच में सिलेक्शन चाहते हैं। भाई अपने आप को कैटेगराइज करके मेरा वीडियो देखना, भाई सिलेक्शन लेना है कि सिर्फ मुझे रट्टाफिकेशन सीखना है। रट्टाफिकेशन के लिए फार्मूला है, तीन डाटा है, 1 2 3, तीन में से दो देगा एक पूछेगा, चाहे ये दे करके ये पूछ ले, चाहे ये दे करके ये पूछ ले। ओके, इसी क्वेश्चन में मैं ये चेंज कर देता हूँ, चलो ये 40 रहने देते हैं और उनमें से राम का स्थान यहाँ दाएं से कर देते हैं, दाएं से यहाँ कर देते हैं 20वां, कितना 20वां, थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको 17 कर लो, थोड़ा कठिन हो गया, 17 है तो यहाँ हमें बताना है बाएं से क्या होगा। देखो नया क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप आंसर करो। चलो भाई रमेश शुरू हो जाओ। हाँ रमेश बताओ, देखो रमेश जी आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे कि एक पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हैं, उनमें से तो पहले देखो क्या करते हो, पूरा नहीं पढ़ते, जितना पढ़ो उतना पहले लिखो। जैसे क्या, मैं रमेश बन जाता हूँ, एक पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हैं, तो पहले हमने बनाया कि भाई ये पंक्ति बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 40, यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से उनमें से राम का स्थान दाएं से, तो दायां बायां लिखना पड़ेगा, ये लेफ्ट है ये राइट है, दाहिना, दाएं से कितना भैया 17। ए बच्चों 17 बोल रहा है तो एक तो खुद हो गया ना, और 16 लोग क्या हो गए इधर हो गए। अच्छा जी बताओ टोटल हमें 40 करना है, 17 ही लोग हैं तो 23 लोग होंगे कि नहीं होंगे? तभी तो 40 होगा जी, 23 एक 24 और 16 कितना 40। तो आंसर पता चल गया, बाएं से एक जोड़ के बताते हैं, 23 और एक कितना, आंसर हो गया कितना? बस एक लाइन के माध्यम से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब देखो टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल 40 है, लेफ्ट से नहीं पता, राइट से पता है 17 है और एक, 40 17 में से घटा दो 16 हो गया, लेफ्ट की वैल्यू 40 में से 16 घटाओ भाई कितना आ गया 24 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपके ये बुक में ऐसे मिलेगा, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डायग्राम के माध्यम से ही पूरे क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके चलिए
एक और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, इसी में से बताऊंगा। देखो एक ही क्वेश्चन को मैं बेस मान करके आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। एक पंक्ति में ये हटा दिया, एक पंक्ति में चलो दूसरा ही क्वेश्चन लिख देते हैं क्योंकि इसको चेंज करना पड़ेगा। एक पंक्ति में सीता का स्थान, बाएं से 33वां है और सीता का दाएं से 42वां है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, लेफ्ट की वैल्यू दी हुई है, राइट की वैल्यू दी हुई है। लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 33, राइट से कितना है 42। देखो क्या होता है ना, कभी कभी नज़दीक का फायदा दूर का घाटा हो जाता है बच्चों। इसमें ना आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि तुरंत टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या कर दें 1, और लड़कों के दिमाग में छप जाता है कि बस बस फार्मूला बहुत आसान होता है। लेकिन नहीं, जैसे आपको एक घाव हुआ है और घाव का जो है ना ऑपरेशन कराने से इसलिए डरते हो कि दर्द होगा, एक महीना आप उसको पालते हो तो एक महीने तक दर्द सहा तुमने, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो जाकर ऑपरेशन करा दिए, थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन एक महीने आराम करते हैं। उसी प्रकार बच्चों ये फार्मूला अभी आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन अगले स्टेप जब पढ़ाऊंगा तो ये फार्मूले से क्वेश्चन बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल की वैल्यू रख दो आप, टोटल निकल जाएगा। तो यहाँ पूछेगा कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। कितना आसान है, रख देना है वैल्यू 33 प्लस 42 माइनस 1, 4 2, अरे 2 2 4 हो गया, इसको हटा देते हैं, 2 2 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 74 में से एक हटा दो कितना हो गया 73। ए बच्चों डायग्राम के माध्यम से देखो, ये लेफ्ट है ये राइट है, सीता जी यहीं पे हैं कहीं। अब बाएं से कितना है, बाएं से कितना दिया है 33, तो एक ही खुद हो गई, 32 लोग इधर हो गए। इधर से कितना दिया है 42, तो 41 एक खुद 41 एक 42 हो गए। अब जोड़ दो ना जी, 2 1 3 है और 1 4 हो गए, 3 4 7 ये आंसर हो गए, सबको जोड़ देना है यहां से लेके यहां तक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस तीन क्वेश्चन मैंने बताया, तीन नहीं है ये जो है तीन नहीं है। देखो फिर से समझा देते हैं, यहां जो है 33। अब ये बच्चों आप लोग डाटा पे मत जाना, इंसान हो, अब यहां 33 लिख दिया तो यहां 33 लिख दो आप, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर कैसे, अरे भाई यहां 33 था तो यहां 33 रख देंगे। अब देखो 3 2 5 हो गया, 4 3 7 माइनस 1 कितना हो गया, ये 74, ठीक है, समझ गया ना, हाँ ठीक है। अब ये मत सोचना, इतना लड़के पता है क्या करते हैं, अगर कहीं गलती से टीचर एक गलती कर दिया पकड़ कर बैठ जाते हैं। आप मेरे स्टूडेंट हो भाई, आप मुझे कमेंट करके बता देना चाहिए था कि सर वहां गलत हो गया है, ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। अच्छा जी, अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। रमेश हाँ तुम्ही से, खड़े हो जाओ भाई। अब ये बताओ कि अगर कोई क्वेश्चन में लेफ्ट दिया है और राइट भी दिया है तो क्या टोटल निकाल लोगे, तो आपका प्रश्न अच्छा ठीक है, हाँ निकालोगे, कौन सा टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 से भी निकाल लोगे। तो देखो ये सब सीख रहे हैं, तो तुम्हें भी तो मैं सिखा ही रहा हूँ और वो भी सिखा रहा हूँ जो कोई नहीं सीख रहा है। अब आपको लेफ्ट पूछेगा, राइट दे देगा, टोटल भी दे देगा तो भी निकाल लोगे, ओके। लेफ्ट दे करके टोटल दे करके क्या पूछेगा, राइट, मतलब आप अब ये समझ लेना कि इस टाइप से अब कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे बचना नहीं चाहिए। पार्ट वन में सिर्फ एक टॉपिक, अगला वीडियो मैं पार्ट टू में लेकर आऊँगा। दोस्तों मेरा साथ दो, सिलेक्शन की गारंटी तो मैं लेता ही हूँ। नमस्कार।